हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को नोएडा की अट्टा मार्केट, आप इसे मिनी सरोजनगर मार्केट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ना आपको बच्चों से लेके बूढ़ों तक का सारा कलेक्शन मिलता है। इन प्राइस रेंज की बात करूँ तो सच में ये सरोजनगर मार्केट को बिल्कुल बीट करता है। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है, तो चलिए आज सारा कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ वन बाई वन। यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 18, जहाँ पे आप मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको बॉयज का कलेक्शन दिखेगा, देन आपको यहाँ पे फिर लड़कियों का कलेक्शन दिखेगा। बीच बीच में दिखेगा लड़कियों का कलेक्शन, बट स्टार्टिंग में बॉयज का ज्यादा दिखता है मुझे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए अंकल, जो ये लड़कों के वेस्ट कोट और लड़कियों के लिए कार्डिगन सेल कर रहे थे। ये कार्डिगन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, इनके पास 350 से लेके 750 तक की रेंज में कार्डिगन थे। 350 में ये फ्लावर वाले थे, एंड ये 450 में नीचे लगे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। 750 वाले लॉन्ग वाले थे जो कि ऊपर लगे हुए थे। अगर मैं वेस्ट कोट की बात करूं तो इनके पास में नॉर्मल वाले जो वेस्ट कोट थे जो कि वूलन में नहीं थे, वो 300 या 350 समथिंग की रेंज में थे। एंड जो वेस्ट कोट की बात कर रही हूं, जो वूलन वाले हैं वो 400 रुपीज़ की रेंज में थे, और उनकी क्वालिटी भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। साइजेस इनके पास अवेलेबल थे, और ये हमेशा यहीं पर लगाते हैं, मेट्रो के पास में ही आपको मिलेंगे ये। इसके अलावा ये अंकल टॉबल भी सेल कर रहे थे। टॉबल ये 250 रुपीज़ की बता रहे थे, और बोले थे लास्ट में 200 का इसे दे देता हूँ। और टॉबल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, एंड फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। कलर एंड डिज़ाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलने पे मुझे ये भैया दिखे, इनके पास ना टी शर्ट का कलेक्शन था। वुलन टी शर्ट थी इनके पास में, एंड नॉर्मल टी शर्ट्स भी थी। अगर टी शर्ट में दो वैरायटी थी इनके पास में, 250 में और 300 रुपीज़ में। 250 वाली भी काफ़ी अच्छी थी, एंड 300 वाली में तो कलर बहुत सारे थे, एंड वो स्वेट सेट थी और उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, एंड उनमें साइजेस भी बहुत सारे अवेलेबल थे। जैसा कि विंटर चल रही है तो कैप तो आपको हर जगह मार्केट में दिखेंगी, तो यहीं पे एक भैया ये कैप सेल कर रहे थे। इनके पास में आपको बहुत सारी कैप्स मिल जाएंगी 100 और 150 रुपीस की रेंज में, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी थी। आगे ये भैया ना एक शर्ट, वूलन शर्ट सेल कर रहे थे जो कि 450 रुपीज़ की रेंज में थी, और ये ना वूलन शर्ट्स थी चेकर्ड वाली, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। इनमें साइजेस भी अवेलेबल थे इनके पास में, ये जीन्स वाले भैया के पास में ही लगा के रखे हुए थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे इनके पास में ये शर्ट्स अवेलेबल थी। कलर एंड डिज़ाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप की वूलन शर्ट्स में। इन्हीं शर्ट वाले भैया के पास में ना एक भैया ने जीन्स लगा रखी थी, इनके पास में सारी आजकल न्यू ट्रेंडी जीन्स होती हैं लड़कों की, वो मिल जाएंगी 500 रुपीज़ की रेंज में, एंड साइजेस भी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद ये कि शॉप थी जो मेट्रो के नीचे मिलेगी आपको, जब मेट्रो से आ जाएंगे बाहर की तरफ में, मतलब अंदर जब मार्केट की तरफ आ रहे होंगे। मिक्स एंड मैच करके शॉप है यहाँ पे ना, जैसे कि समर में काफ़ी अच्छी कुर्तीज़ में दिखाती थी, वैसे ही इनके पास में ना इस टाइम पे वूलन कुर्ती कार्डिगन्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। कार्डिगन की रेंज जो है वो 300 रुपीज़ से लेके 1000 तक में थी। 300 रुपीज़ में नीचे वाले कार्डिगन से जो कि आपको दिख रहे हैं, एंड ये जो मैंने येलो वाला दिखाया था ये 400 रुपीज़ में था, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इस टाइप के काफ़ी सारे कार्डिगन्स इनके पास में मिल जाएंगे, एंड वूलन कुर्तियाँ भी काफ़ी मिल जाएंगी। इनके पास मुझे दिखे वूलन कॉट सेट जो कि 500 रुपीज़ की रेंज में थे, जो कि वूलन के फैब्रिक में सिले हुए थे, एंड और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास में इस टाइप के वूलन के सूट्स अवेलेबल थे। पर जितने भी सूट आप लगे हुए देख रहे हैं, विंटर वाले जो थे और नॉर्मल वाले थे, उनकी सबकी रेंज ना अलग अलग थी, 500 से 1000 तक की रेंज में थे। इनमें ना काफ़ी सारे वेलवेट के थे, एंड जो आजकल स्वेट फैब्रिक था उनमें भी थे।
सरोजनी मार्केट की तरह यहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ की सेल मिलेगी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, काफी सारी शॉप पे ना काफी अच्छा कलेक्शन था। लेकिन लड़कों के लिए और भी मार्केट में अंदर जाके स्वेटर्स मिलेंगे जो कि 250-300 रुपीज़ की रेंज में थे। काफी अच्छी क्वालिटी में स्वेटर्स थे, देख सकते हैं 300 रुपीज़ की रेंज में थे। वूलन वाले थे, मतलब बहुत अच्छा था। ये जो मैंने उठाया था ग्रे वाला, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस टाइप के और भी काफी सारे थे, कलर एंड डिजाइन बहुत सारी थी यहाँ पे स्वेटर्स में। रास्ते में मुझे यहाँ पे एक स्टॉल मिला था, वहाँ पे वुलन पजामे सेल हो रहे थे। वुलन पजामे भी थे और उसके साथ अगर आप टॉप मैचिंग करवाना चाहते तो भी ले सकते हो, आपको 400 रुपीज़ में पूरा सेट मिल जाएगा। इतने क्यूट क्यूट से कपड़े थे गाइस, ये बहुत हल्के वाले फैब्रिक में, बच्चों के नहीं होते सॉफ्ट वाले फैब्रिक में। ये थे 750 इसका प्राइस बताया। इन कलर बहुत सुंदर सुंदर से थे और भी काफ़ी सारे बच्चों के लिए स्वेटर्स सब कुछ अवेलेबल था। ये इस टाइप की इनर्स जो है वो 100 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगी यहाँ पे आपको। स्टॉल मिला भैया का जो कि कैमरा देख के पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। यार ब्लॉगर्स को लोग ना बड़ी वैसी नज़र से देखते हो मार्केट में, ऐसा लगता है ना जैसे हमारे पास कुछ काम धाम ना हो, वीडियो बनाने के लिए चले हैं, बट नहीं जानते रियल स्ट्रगल हमारा क्या होता है जब मार्केट में आते हैं, वो एक ब्लॉगर ही समझ सकता है। मुझे सरोजनी की तरह यहाँ पे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे 100 रुपीज़ में इस टाइप के काफ़ी सारे स्वेटर्स मिल रहे थे। और देख सकते हैं इस टाइप के काफ़ी सारे स्वेटर्स थे यहाँ पे, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी अच्छी सी थी। और ये सारे ना वही एक्सपोर्ट सरप्लस वाला जो कलेक्शन रहता है वो वाले ही स्वेटर्स थे। ये खटे फटे पीसेस आपको नहीं मिलेंगे और एक्सपोर्ट सरप्लस ये भी था, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद मुझे ये सॉल वाले भैया मिले और इनके पास में बहुत ही सुंदर सुंदर से स्कार्फ भी थे। और ये स्कार्फ ना ये टाइगर प्रिंट वाले जो आप देख रहे हैं ना बहुत बहुत सॉफ्ट वाले थे, मतलब ये इतना सॉफ्ट था ऐसा लग ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉर्म भी बहुत ज़्यादा कर रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी कुछ कान में या गले में अपने डाल रखा है। मैंने भी यहाँ से 100 रुपीज़ का ये वाला सॉफ्ट वाला स्कार्फ लिया था यहाँ से, और ये सारे 100 रुपीज़ में स्कार्फ थे। बाकी सॉल्स के प्राइस 350-450-450 तक की रेंज में थे। बच्चों के लिए भी यहाँ पे ना काफ़ी वॉर्म वाले लोवर्स मिल जाएंगे, और मतलब जैसे कि 5 साल से छोटे हैं तो उनके 100 में मिल जाएंगे, 5 साल से ऊपर वाले जो 8 साल तक के बच्चों के हैं वो 150 में मिलेंगे, अगर उनसे बड़ा साइज़ लेते हैं तो 200 रुपीज़ में मिलेगा। एंड काफ़ी अच्छे लोवर्स थे, उसके मैचिंग के ना यहाँ पे स्वेट सेट भी मिल जाएगी, जिससे कि आप सेट बना के भी पूरा पहना सकते हैं। अगर आप बैग लेना चाहते हैं तो इस वाली मार्केट में आपको बैग्स भी काफ़ी सही प्राइस में मिल जाते हैं। जब आप आगे आ जाएंगे ना, काफ़ी आगे चलते चलते, मतलब आपको ज़्यादा कहीं मुड़ना जुड़ना कुछ भी नहीं, सीधे चलते आना है, सीधे शॉपिंग करते हुए चलते चलेंगे आप, तो यहाँ पे 250 की रेंज में आपको बैग का कलेक्शन मिलेगा। फिर चाहे उसमें आप स्लिंग बैग ले लो, टोट बैग ले लो, शोल्डर बैग ले लो, कोई भी काइंड ऑफ बैग ले लो, 250 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलेंगे। और अगर मैं बैकपैक की बात करूँ तो वो 350 रुपीज़ के रेंज में थे। गाइस यहाँ के जितने बैग सस्ते तो मैंने मतलब किसी मार्केट में नहीं देखे, मतलब सस्ते भी हो क्वालिटी भी अच्छी हो, वो इस टाइप के बैग मुझे यहाँ पे दिखे हैं। और ये बैग का प्राइस ये आज से नहीं है, 10 साल से यही प्राइस है, क्योंकि मैं बहुत पहले से इस वाली मार्केट में आती हूँ। रास्ते में जब आप ऐसे चल रहे होंगे, मतलब आगे की तरफ आ रहे होंगे, तो इस टाइप के और भी स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे आपको इस टाइप की वूलन ड्रेसेस मिल जाएंगी 250 रुपीज़ की रेंज में, एंड 100-150 रुपीज़ की रेंज में वूलन टॉप्स भी मिलते हुए मिल जाएंगे। के पास जो वूलन टॉप थे वो 100 रुपीज़ की रेंज में थे, और 100 रुपीज़ में भी इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एज यूजल हमेशा की तरह यहाँ पे जो शोरूम्स बने हुए हैं, साड़ी सूट जो भी ट्रेंडी आउटफिट चल रहे होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख जाएंगे। तो आप अपनी शादी की या कोई भी फंक्शन है वहाँ की, उस उन सब चीज़ों के लिए भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मिलते हैं सारी चीज़ें। इस टाइप की स्वेट सेट लेना चाहते हैं तो 350 रुपीज़ की रेंज में आपको इस टाइप की हुडी वाली स्वेट सेट मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी, साइजेस भी बहुत सारे थे इनके पास में, कलर भी बहुत सारे अवेलेबल थे। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये केवल 300 रुपीज़ की रेंज में आपको ये वाली हुडी मिलने वाली है, जिन्हें आप जिम वगैरह भी पहन के जा सकते हैं, हल्की फुल्की सर्दियों में आप बहुत ईजिली पहन सकते हैं। Yeah.
बच्चों की लेगिंग्स के और भी काफी सारे स्टॉल थे मार्केट में, तो गर्ल्स एंड बॉयज के दोनों के लिए, मतलब वूलन पजामे और लड़कियों के लिए पैंट्स इस टाइप के दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पे ना 200 रुपीज की रेंज में। तो ये थोड़ा और मोटा वाला फैब्रिक था उससे। आपको ना मार्केट में काफी सारी लड़कों के कपड़ों की शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको जैकेट, शर्ट्स एंड और भी काफी अच्छी क्वालिटी में कपड़े मिल जाएंगे दुकानों के अंदर। और इनकी प्राइस रेंज तो भैया दुकान वाले ही बता सकते हैं क्या रहेगी, और ये लोग बार्गेन भी कर देते हैं, लेकिन आपको काफी अच्छी क्वालिटी में शॉप पे मिल जाते हैं कपड़े। ये एक और भैया ने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा था आगे मुझे, 100 रुपीज़ की रेंज में ये वूलन टॉप सेल कर रहे थे, और इनके वूलन टॉप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, देख सकते हैं ना कितने प्यारे लग रहे। येलो वाला तो बहुत प्यारा लगा था, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे से थे 100 रुपीज़ में यार, और क्या ही लोगे, एक सर्दी निकाल ली मतलब ख़त्म। काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी में थे इनके पास में, 100-150 ऐसी रेंज में आपको मार्केट में काफ़ी जगह मिलेंगे यहाँ पे, बट 100 रुपीज़ में जो मिलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। देखिए गोरी गोरी दूल्हे लहंगे पहने हुए कितनी क्यूट लग रही है, टकली टकली दूल्हे, टकली क्यों तैयार करते हैं, बाली लगा दिया करे बेचारी, कुछ तो खूबसूरत लगे हैं। और ये एक अंकल का ना ऐसा रिंग लगा हुआ था यहाँ पे, इनके पास स्टैंड था अंकल का, इनके पास मुझे बड़ा अच्छा कलेक्शन लगा। आगे तो 300 रुपीज़ में एक दो स्वेटर्स थे, बाकी 200 रुपीज़ में थे पीछे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में स्वेटर्स थे इनके पास में, मतलब काफ़ी वॉर्म वाले, काफ़ी हैवी क्वालिटी के जो स्वेटर्स होते हैं वो इनके पास में थे, कलर एंड डिज़ाइन भी सारे बहुत अच्छे थे। के जस्ट सामने ही ना ये वाली शॉप थी राखी मिक्स एंड मैच, गाइस ये दुकान ना हिडन जेम है, लड़कियों को यहाँ के ना कुछ तो जरूर पसंद आएगा। इस वाली शॉप पे ना आपको 100 रुपीज एंड 200 रुपीज में बहुत सारे वूलन टॉप का कलेक्शन मिलेगा, मतलब इतना सारा मिलेगा कि आपको लेना ही पड़ जाएगा, इतना सुंदर वाला कलेक्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे कोट्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको, अभी मैं कुछ बता रही हूँ, फिर अंदर चल के आप खुद ही देखो क्या है। बाहर ही कोट लगे हुए थे 200 रुपीज़ की रेंज में, ये बाहर कोट लगे हुए थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। ये कितना हैवी वाला ओवर कोट था, मतलब मुझे लगता है जब ज़्यादा सर्दियाँ होती है ना उनमें पहनने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और ये चेक वाला तो इतना प्यारा लग रहा था कि इसे ब्लैक कलर की अंदर टी शर्ट के साथ में, हाईनेक के साथ में अगर पहना जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा, मतलब लाइट कलर की टी शर्ट के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। और ये ब्लैक और वाइट वाले इस टाइप के काफ़ी सारे कोड्स होते हैं इनके पास में 200 रुपीज़ में थे, और ऊपर जो दिख रहे हैं इनके प्राइस ना अलग अलग थे, ये 200 में नहीं थे। इसके बाद मैंने देखे ये 100 रुपीज़ के टॉप जो कि अंदर एंटर करते ही दिखेंगे, 100 रुपीज़ में भी काफ़ी सुंदर सुंदर से टॉप्स अवेलेबल थे जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये कितने प्यारे थे ना ये 100 रुपीज़ में। और ऊपर जो टॉप्स लगे दिख रहे हैं ना वो येल्लो ब्लैक चेक वाला है, सब 200 रुपीज़ में थे। ये ब्लैक और व्हाइट वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट अभी मैंने बहुत शॉपिंग कर ली तो इसलिए मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। और जो भी ड्रेसेस देख रहे हैं वो 300 रुपीज़ की रेंज में थी। और इधर एक और स्टॉल था इन्हीं की शॉप के अंदर, वह ये भी 100 रुपीज़ में ही था। देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही, कितने अच्छे अच्छे पैटर्न्स थे स्वेटर में, मतलब स्लीव्स इतनी प्यारी प्यारी वाली थी, बहुत अच्छी लगी। देखिए रेड वाला इतना क्यूट था, येलो वाला, ये भी बहुत ही प्यारा, सारे ही स्वेटर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जैसे कि हमें निटिंग वाले चाहिए होते ना स्वेटर्स, उस टाइप के भी स्वेटर थे, इस टाइप के अगर आप मतलब कार्डिगन्स टाइप का लेना चाहते तो उस टाइप के भी थे। और जो अंदर आप कोट्स देख रहे हैं सारे, इनके प्राइस वो थे 400 से लेकर 700-800 तक की रेंज में रहेंगे, बाकी बार्गेन कर सकते हैं। ये एक 200 रुपीज़ की सेल में मुझे एक रिंग था इनके पास में ना, इसमें भी काफ़ी सुंदर सुंदर टॉप्स थे, ये वाइट एंड ब्लैक वाला बहुत प्यारा था, और ये वाला तो एकदम कोरियन लुक दे रहा था जैसे कि पिंटरेस्ट पे देखती हूँ मैं। हाईनेक भी थी 200 रुपीज़ की रेंज में जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये पैंट भी था वॉर्म वाला, ये भी काफ़ी अच्छा था, 200 रुपीज़ की रेंज में था ये, बट लाइट कलर था इसलिए मैंने इसे परचेज़ नहीं किया मुझे, लेकिन अच्छा बहुत लगा था ये। इस टाइप के दो तीन ही पैंट्स इनके पास में थे। और ये एक और अंदर इनके पास में स्टॉल था 200 रुपीज़ में स्वेटर का, देखिए इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर से, ये देखिए पता नहीं यूनिक सा पोंचू स्टाइल कुछ था, ये भी बड़ा क्यूट लग रहा था।
और फिर ये येलो वाला तो और ही ज़्यादा प्यारा लगा था। एंड ये ब्लैक हाईनेक स्टाइल स्वेटर तो बहुत प्यारे थे। इस टाइप के काफ़ी सुंदर सुंदर से स्वेटर इनके पास में थे। इस शॉप से निकलने के बाद मैंने कुछ बच्चों की क्यूट क्यूट क्रोसिया ड्रेसेस देखे जो कि हमेशा से इस मार्केट में मिलते हैं, 350 तक की रेंज में मिल जाते हैं। बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे इनमें। कलर देखिए कितने सुंदर सुंदर से यूज़ किए गए। ये मतलब 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ही होते हैं। थोड़ा सा और मैं आगे आ गई कि मैंने सोचा कुछ और भी चीज़ें देखी जाए, तो मुझे यहाँ पे एक और भैया का स्टॉल दिखा जहाँ पे ये 100-200 रुपीज़ की रेंज में बहुत सारे स्वेटर्स मिल रहे थे। तो है ना ये सरोजनी नगर, और देखिए क्वालिटी यहाँ पे कितनी अच्छी मिल रही। ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है, मतलब ज़्यादा आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप देखेंगे अच्छा मिल जाएगा। और ये देखिए काफ़ी हैवी क्वालिटी में स्वेटर्स थे 100 रुपीज़ की रेंज में, जैसे कि ये पर्पल और डार्क पर्पल मिक्स वाला, ये भी 100 रुपीज़ में था। मतलब सर्दियों में इसमें ठंड नहीं लगती इस टाइप के स्वेटर्स में। ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की रेंज में थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे ये इस टाइप के ये। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि ब्लू वाला जो ये आपने देखा, और भी बहुत सारे स्वेटर्स जो यहाँ पे देखे, ये 100 रुपीज़ की रेंज में थे। ये जो नीचे पड़े हुए हैं सारे 100 रुपीज़ की रेंज में थे, और ऊपर जो भी लगे तो वो 200 में थे। ये मैं 100 वाली आपको दिखा रही हूँ क्योंकि 200 तक तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, बहुत ऊपर है ये, तो 100 में ही देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। मतलब मन मोहने वाला कलेक्शन है कि पसंद आएगा आपको, एक बार आके देखिए। फिर मुझे ये बैग्स दिखे, बैग्स वाले भैया के पास बैग्स तो बहुत सारे थे, 300 से स्टार्ट थे एंड 700-800 तक की रेंज में थे। ये देख लीजिए 300 रुपीज़ की रेंज में इतना सुंदर सा स्लिंग बैग था जो कि पार्टी वेयर भी लग रहा था देखने में। और भैया बैग वाले भैया के पास थोड़ा सा एटीट्यूड अच्छा नहीं था, मेरे को बोलने लगे कि बैग उठा उठा के आप पूरा मेरा वो खराब किए दे रही हो। एंड ये पार्टी वेयर काइंड ऑफ बैग भी 400 समथिंग कुछ का था। इस टाइप के काफ़ी सारे बैग्स इनके पास में मिल रहे थे। मार्केट में 500 रुपीज़ की रेंज में आपको इस टाइप की जीन्स मिलेंगी जैसे कि आपने ऊपर देखी, और नॉर्मल स्किन फिटिंग जीन्स आपको 350 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगी। बाकी ब्रॉड वाइड लेंथ जो है वो आपको 500 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगी जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। बाकी जीन्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही सजेस्ट कर रखा है कि आप ना राधिका कलेक्शन में भैया लगाते हैं उनके पास जाना। आज मैं उनका कलेक्शन दिखा नहीं पाई हूँ यहाँ पे आपको, मैं गई थी भैया मिले नहीं मुझे। और फिर मुझे ना ये वाली जैकेट दिखी, पफर जैकेट जो कि ये भैया ना 500 रुपीज़ की दे रहे थे, और उनके पास 3 से 4 कलर अवेलेबल थे। बट यही जैकेट सेम मुझे आगे 400 की भी दिखी थी। और इनके पास में इस टाइप की स्वेट सेट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी वुलन वाली जो कि 350 रुपीज़ की रेंज में थी। ये देखिए इस टाइप की स्वेट सेट, इस टाइप की स्वेट सेट ना 200 रुपीज़ की रेंज में थी, और ये जैकेट भी 250 रुपीज़ की रेंज में थी। देख सकते हैं इस टाइप का स्किन फिटिंग टॉप भी ले सकते हैं। चेकर्ड शर्ट भी मिल रही थी यहाँ पे, वुलन वाली जो होती हैं लड़कियों के लिए सैकेट स्टाइल, और ये सब भी यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वाला मिल जाएगा आपको। इसके बाद फिर मैं चल दी आगे, चाहत लेडीज़ वेयर में आ गई। ये शॉप मेरी बड़ी फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा कलेक्शन मिलता है। 300 रुपीज़ में यहाँ पे कोट्स का कलेक्शन देखा। सबसे पहले मैंने रेड कोट तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट बड़ा बहुत लग रहा था। ब्लैक वाला तो वैसे ही सब पे ही जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर एक और ये रेड कलर का कोट था जैसे कि न्यूज़ एंकरें पहनती, उस टाइप का लग रहा था देखने में। इनके पास में 300 की रेंज में आपको ना काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स में कोट मिल जाएंगे। एंड अगर कुछ और अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो 450-500 की रेंज में भी इनके पास कोट्स हैं जिनकी क्वालिटी रियल में बहुत अच्छी थी, और वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में थे, उनमें कलर भी बहुत सारे थे। इस देख सकते हैं नियॉन ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है ना कोट, ये 500-700 समथिंग कुछ का था। इस टाइप के काफ़ी सारे कोट थे। स्टार्टिंग रेंज जो है वो 300 रुपीज़ है जो कि आपको स्टार्टिंग में एंटर करते ही जो स्टॉल होता है उस पर दिखेगी। बाकी जो अंदर यहाँ पे उनके सबके प्राइस ना अलग अलग रहेंगे, बट यहाँ पर आपको कोट्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। बाकी यहाँ पर ब्रांडेड सरप्लस कुर्तीज़ भी मिलती हैं। इस टाइप के भी कुछ कोट्स थे 300 रुपीज़ के रेंज में, पूरी दुकान पर ही कोट्स लगे हुए, तो मैंने सब कुछ सारे कोट्स से एक्सप्लोर कर लिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इसके बाद मुझे ये पर्पल कोट दिखा जो कि बहुत प्यारा था, अंदर से फर लगी हुई थी इसमें। इसके बाद मैंने 200 रुपीज़ के टॉप एक्सप्लोर किए, इनके पास में क्या डिज़ाइनर टॉप है येलो वाला, अंदर से हाईनेक डालो ऊपर से ये पहन लो, इस विंटर में भी कितने स्टाइलिश लगोगे। और इनके पास ना श्रग का कलेक्शन बहुत ही अच्छा मिलता है 200 रुपीज़ में, तो आप श्रग भी ले सकते हो। और ये देखिए टॉप कितना प्यारा लग रहा था ना, ये मतलब इसका कलर ही इतना प्यारा था, 200 रुपीज़ की रेंज में था ये वाला टॉप। 200 में काफी सुंदर सुंदर वाले टॉप्स इनके पास में थे वुलन वाले।
देखने के बाद मैंने कुछ 100 रुपीज के भी टॉप देखने स्टार्ट किए, क्योंकि 100 रुपीज में भी बहुत सारे थे। तो ये देखिए 100 रुपीज में भी आपको कुछ इस टाइप के हाई नेक मिल जाएंगे, इस टाइप के थोड़े से विंटर के ही थे बट हल्के हल्के वाले थे। फिर मैंने स्ट्रग देखना चालू किया, 200 रुपीज की रेंज में ये स्ट्रग्स मिल रही थी। स्ट्रग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इनकी शॉप की काफ़ी अच्छी क्वालिटी में स्ट्रग थी। देखिए ये येलो वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट पता नहीं मेरी हाइट बहुत कम लगती है, मैं स्ट्रग पहन लेती हूँ तो वैसे ही कम है और कम लगने लग जाती है, इसलिए मैं स्ट्रग सिर्फ देख लेती हूँ, परचेज नहीं करती है कभी। बट अगर आपकी हाइट अच्छी है ना, आपके पास स्ट्रग बहुत अच्छी लगेंगी। और ये मुझे बहुत सुंदर सा ब्लैक कलर का पोचू स्टाइल समथिंग कुछ स्वेटर दिखा, स्वेटर क्या मतलब स्ट्रग दिखा, जिसमें गले में इस टाइप का ये मेरा दिल प्यार का दीवाना मैं जैसे पहना ना हेलन ने, उस स्टाइल का था कुछ। और ये पोचू था ब्लैक कलर का, यार ये भी 200 में था, इतना सुंदर लग रहा था, देखो जरा। और ये क्रोशिया वाला टॉप भी 200 रुपीज़ का था, ये भी कितना स्टाइलिश लग रहा है ना। तो इस टाइप के स्टाइलिश पीस भी आपको 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं चाहत लेडीज़ वियर में। और ये शॉप भी मेरी फेवरेट है, इस टाइप के स्कार्फ मिल जाएंगे 150 रुपीज़ की रेंज में आपको यहाँ पे, वूल है स्कार्फ गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रहते हैं स्कार्फ इनके पास में, ये भी आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के फर स्लीपर लेना चाहते तो इस मार्केट में आपको 250-350 रेंज में बहुत जगह मिलेंगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रहती हैं स्लीपर ये। और ये विंटर में तो बहुत काम की चीज़ है, घर में अगर आपने चप्पल नहीं पहनते हैं तो मेरी तरह, क्योंकि मेरे घर में चप्पल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो हम लोग ऐसी ही वाली स्लीपर्स पहनते हैं घर पे कि ये सही रहती है, इन्हें पहन के बाहर भी नहीं जाना और हमें सर्दी से भी बचाती, नहीं तो यार फर्श तो ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी पहुंच गए हो, इतनी ठंडी वाली रहती है। चलते 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 फ्लोर करते करते मैं पहुंच गई सोनम वियर। किस किस को सोनम वियर का वेट रहता है, सोनम वियर में इस टाइम पे ना बहुत अच्छा विंटर वियर का कलेक्शन आया हुआ है, फिर चाहे कुर्तीज ले लो या फिर वूलन पजामे ले लो। पजामे तो सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, मुझे लग रहा था कि हल्के होंगे बट मैंने जब दो परचेज किए घर पर आके उन्हें पहने, बहुत अच्छे निकले थे। सबसे पहले कुर्तियाँ देखिए फिर पजामे दिखाऊंगी। 250 रुपीज़ में इस टाइप की वूलन कुर्तीज़ थी, और ये ना इस टाइप का कुर्ती सेट जो देख रहे हैं केवल 600 रुपीज़ की रेंज में था। ये स्वेट वाला जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा था, सनील में भी थे। कुर्ती पैंट दुपट्टा तीनों का सेट मिलेगा, हाई क्वालिटी मिलेगा, इससे कम प्राइस में आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, भैया गारंटी दे रहे थे ये। और ये इस टाइप का कराची स्टाइल भी पूरा सेट मिलेगा आपको 600 समथिंग कुछ में, और ये भी बहुत सुंदर थे। मतलब अगर आप वूलन वाले कुर्ती प्लाजो पैंट लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से परचेज कर सकते हैं, इनमें कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, काफ़ी हैवी क्वालिटी में थे, चाहे वो सनील में हो स्वेड में हो, बट ये वूलन कुर्तियाँ भी अच्छी थी 250 रुपीज़ में, कि अगर आप डेली यूज में घर में पहनने के लिए लेना चाहते तो ले सकते हैं। और ये देखिए ग्रे कलर वाला स्वेड में जो सेट था कितना प्यारा लग रहा है ना, ये इस टाइप के इसमें इतने सारे कलर थे कि आपको मतलब बहुत अच्छे लगेंगे और इतने कम प्राइस में सच में नहीं मिलने वाले आपको। और ये कराची स्टाइल वाला पूरा सेट भी बहुत सुंदर था, इसमें भी आपको ढेरों कलर मिल जाएंगे, तो आप ना जल्दी जल्दी से अगर आप लेना चाहते हैं ना ये वाला कलेक्शन तो जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके आइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रहा है, भैया कह रहे थे ये वाला कलेक्शन ना बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप जल्दी जल्दी से ये वाला कलेक्शन लेने के लिए ले जाइए, क्योंकि भैया ने पहले इसके प्राइस 800 रखे हुए थे बट अभी सेल में निकाल दिए उन्होंने, 500-600 में ऐसे निकाल दिए हैं। इसके बाद मैंने जो पजामे देखे, पजामे ना ये बहुत अच्छे थे, ये आपको ना इस टाइप के मोटे वाले 250 तक की रेंज में मिलते हैं, यहाँ पे 200 में थे। और ये ब्लैक वाला जो मैं देख रही हूँ ये मैंने परचेज किया गाइस, इतना वार्म है, मुझे लग रहा था हल्का होगा, एंड ये ब्लू वाला भी काफ़ी सुंदर था। इस टाइप के सारे पजामे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, काफ़ी गर्म भी हैं सारे पजामे, ये 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलेंगे। और सोनम वियर के ही जस्ट सामने ना भैया ने जैकेट्स लगा रखी थी, क्या जैकेट लगाई थी भैया ने, 400-500 की रेंज में थी, ये बहुत अच्छी जैकेट थी। फिर चाहे इसमें आप इस टाइप की पफर वाली जैकेट ले लो, नॉर्मल लॉन्ग वाली जैकेट ले लो, सभी टाइप की जैकेट्स अवेलेबल थी, देख सकते हैं कलर कितने सारे कलर हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, बहुत कम लेकिन पहुँचते हैं, अगर पहुँच गए हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना।